देखो गुस्सा एक ऐसी चीज होती है, चाहे वो इंसानों में हो चाहे जानवरों में, जब विकाल रूप धारण कर लेता है तो वो किसी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाता है। ऐसा ही हुआ यहाँ मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, मतलब जहाँ वहाँ पूरा जंगल है, वहां पर दो बाघिन बहुत ज्यादा बुरी तरह से लड़ रही थी। काफी देर से उनकी लड़ाई चल रही थी, एक बाघिन दूसरी बाघिन पर बहुत ज्यादा हमले कर रही थी और उसको घायल कर दिया। उन दोनों की लड़ाई देखते हुए एक तेंदुए ने जो हारी हुई बाघिन थी उसको हटाकर साइड किया, जिससे वो जो हारी हुई बाघिन थी वो बहुत ज्यादा गुस्साई और तेंदुए का पीछा, मतलब उस लड़ाई को छोड़कर तेंदुए का पीछा करने लगी, उस पर हमला करने लगी। उस हमले से बचने के लिए तेंदुए ने पेड़ पर चढ़ा, लेकिन उस हावी बाघिन ने, मतलब जो हारी हुई बाघिन थी उस पे घाव लगा था और उस पे कई चोटें लगी हुई थी, उसने हार नहीं मानी, उसने तेंदुए पर अपना सारा गुस्सा, वहां का गुस्सा जो लड़ाई हो रही थी, समझ रहे हो, दो बाघिन की लड़ाई हो रही थी जो हारी, वो पुराना गुस्सा निकालने के लिए तेंदुए पर झपट्टा मारने लगी। तेंदुए पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही वो नीचे उतरता, बाघिन नीचे उसका इंतजार कर रही थी। करीबन ये एक डेढ़ घंटे तक वो तेंदुआ सोच रहा था कि बाघिन सो गई, जैसे नीचे उतरने वाला था कि वो फिर से उस पर झपट्टा मारने लगी। तेंदुआ किसी तरह अपनी जान बचाकर दूसरे पेड़ पर चढ़ गया और टहनियों से टहनियों करता हुआ दो तीन पेड़ों पर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस बाघिन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो नीचे खड़ी थी कि जैसे ही तेंदुआ उतरेगा उसका कांड हो जाएगा, ये समझ रहे भाई, बवाल होने वाला था। लेकिन तेंदुए ने काफी देर तक वेट किया और लास्ट में वो घायल बाघिन करीबन 8 बजे सुबह वो तेंदुआ चढ़ा था पेड़ पर, और पेड़ पर से टहनियों पर बैठते बैठते काफी करीबन मशक्कत 3 बजे तक, 8 से 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार वो बाघिन, जो घायल बाघिन थी, वो वहां से चली गई और वो जंगलों में घुस गई। फिर वो तेंदुआ 3 से 4 बजे नीचे उतरा और वो कहीं चला गया। फिर वन अधिकारियों ने मिलकर उस घायल बाघिन को ढूंढा और उसका उपचार किया, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बहुत सारे बाघों को केंद्रित करता है, बहुत सारे बाघ यहाँ पर रहते हैं। कई ऐसे हमले देखे जा चुके हैं, आपस में भी भिड़ंत किसी में भी होती है भाई, इंसानों में भी हो सकती है, जानवरों में होती रहती है। तो तेंदुओं के लिए बड़ी आफत थी दो बाघिन की लड़ाई, ये हो सकता है इसका शीर्षक। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्लीज कमेंट करके बताइए। ऐसी वीडियोस के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।